राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के भोजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बारोल में सरकारी कंट्रोल की दुकान से राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम पर पत्थर फेंके। मामला खिलचीपुर के बारोल गांव का है, जहां कलेक्टर द्वारा जारी की गई अतिरिक्त सूची के लोगों को राशन दिलाने टीम पहुंची थी। चूंकि ग्रामीणों का आरोप था कि सेल्समैन तीन माह के गेहूं नहीं दे रहा है, ये आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पत्थर फेंके। सूचना मिलने पर खिलचीपुर और भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ग्रामीणों ने पत्थर फेंकने की घटना से इनकार किया है। मेरे को एक व्यक्ति आया था यहाँ पे, उसने आवेदन पत्र दिया था कि बारोल गांव का जो सेल्समैन है उसने कहीं रात में ट्रैक्टर भर के ले गया था। तो मेरे द्वारा मेरे को जानकारी मिलने के बाद फिर मैंने नायब तहसीलदार को और खाद्य विभाग का जो बाबू है उसको बुला के बोला कि इनका वहाँ पर चले जाओ और उसकी जाँच करो। जब उन्होंने जाँच करी तो उसमें कुछ पाया भी उन्होंने, और गाँव वालों को राशन मिला नहीं था। तो मैंने हाथों हाथ राशन बंटवाया, एक दिन तो राशन पूरा बट गया। दूसरे दिन जब राशन बंटवाया तो विवाद हो गया। विवाद होने के बाद फिर नायब तहसीलदार बोला मैंने कि थाने में जाके एफ आई आर करो, और वहाँ की जो दुकान थी उसको मैंने पास में सड़िया कुआ करके गांव में वहाँ के सेल्समैन की दुकान के साथ उसको अटैच कर दिया और खाते ने बांटने के लिए बोल दिया।